Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Hey friends, welcome once again to your channel Dreamshot. काफी लोगों को हमने बोलते हुए सुना है, एक स्टॉप लाइट इंक्रीज करना है, एक स्टॉप लाइट डिक्रीज करना है। जब हम लोग ND फिल्टर्स की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ND फिल्टर 10 स्टॉप्स लाइट डिक्रीज कर देता है या 4 स्टॉप्स डिक्रीज कर देता है। तो ये स्टॉप होता क्या है, इसको एक्चुअली जानना कितना जरूरी है, एक फोटोग्राफर के लिए क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर इन्फॉर्मेशन के बिना भी कोई अच्छा फोटो क्लिक कर सकता है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। काफी लोग एक स्टॉप को एफ स्टॉप से कंफ्यूज कर लेते हैं। एफ स्टॉप इज कम्प्लीटली डिफरेंट। कोई अगर पूछेगा एफ स्टॉप क्या था या फिर एफ नंबर क्या था उस पर्टिकुलर शॉट में, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि एफ नंबर एक स्पेसिफिक सेटिंग है जिसके बारे में डिटेल में हम कोई और दिन बात करेंगे। लेकिन जो स्टॉप होता है, स्टॉप ऑफ लाइट जो बोलते हैं, वो हमेशा इन रेफरेंस टू द एक्सपोजर होता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्सपोजर के रेफरेंस से हम एक स्टॉप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट इमेजिन ए कैंडल, उसका एक पर्टिकुलर एक्सपोजर है, कोई भी एक्सपोजर हो सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट आता है। नाउ यू हैव टू इंक्रीज द स्टॉप ऑफ लाइट, उसका मतलब यू आर डबलिंग द लाइट। एक स्टॉप मतलब एक पर्टिकुलर सेटिंग नहीं होता, वो एक मेजर है। एक पर्टिकुलर एक्सपोजर से हम जब डबल करते हैं तो इसका मतलब है हमने उस एक्सपोजर को एक स्टॉप इंक्रीज किया है। वी हैव इंक्रीज्ड वन स्टॉप ऑफ लाइट। तो अब कितना कैंडल्स हुआ, 2 कैंडल्स। 2 स्टॉप्स ऑफ लाइट कितना होता है, अगर आप सोचेंगे एक और कैंडल देन यू आर रॉन्ग। स्टॉप की जो रेफरेंस है हमेशा उसके प्रीवियस एक्सपोजर के साथ होता है। मतलब आप अगर इमेजिन करोगे एक कैंडल की एक्सपोजर से 1 स्टॉप इंक्रीज होना है, देन इट इज 2 कैंडल्स। अगर एक और स्टॉप इंक्रीज करना है, देन वी आर डबलिंग द करंट एक्सपोजर। करंट एक्सपोजर क्या है, 2 कैंडल्स। उसका डबल कितना हुआ, 4 कैंडल्स। पहला जो 1 कैंडल था उसकी एक्सपोजर के एडिशनल 2 स्टॉप्स के बाद वो हो गया 4 कैंडल्स। हम लोग इसको सबसे पहले शटर स्पीड के हिसाब से देखते हैं। सोचो आपका शटर स्पीड है 1 सेकंड। 1 सेकंड काफी स्लो शटर स्पीड होता है, बट फॉर द एग्जांपल पर्पस वी विल कीप इट एज 1 सेकंड। तो करंटली हम लोग एक पिक्चर क्लिक कर रहे हैं जिसका शटर स्पीड है 1 सेकंड। अगर हमें वो लाइट आधा करना है, एक्सपोजर हाफ करना है, मीनिंग 1 स्टॉप डिक्रीज करना है, then it is very simple. Instead of 1 second, we'll keep the shutter open for 0.5 second. अगर 1 stop और नीचे जाना है, then the shutter speed becomes 1/4 of a second. ये ऐसे ही continue होगा। फिर से हम लोग अगर reference 1 second से लेंगे, अगर 1 stop light बढ़ाना है, मतलब light को double करना है, तो 1 second के बदले में हम लोग 2 seconds करेंगे, उसके बाद 4 seconds, उसके बाद 8 seconds। इस तरीके से हम stops को increase करते जाएंगे। ये सिर्फ एक example था, लेकिन practically ऐसे नहीं होता कि 1 second के बाद directly 0.5 second का option है। हम एक partial stop भी increase और decrease कर सकते हैं। Usually most of the cameras में 1/3 stops का difference रहता है, जैसे कि 1 और 1/2 के बीच में। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 1 stop ही increase या decrease करना पड़े, आप fractional decrease और increase भी कर सकते हो। जैसे कि shutter speed settings में 1 second और 1/2 second के बीच में आपको 0.8 और 0.6 भी मिलेगा। जब हम ISO की बात करते हैं, entry level cameras में usually difference 1 stop का ही होता है। मतलब ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3600 इस टाइप से। लेकिन जब हम हाई एंड DSLRs और मिररलेस के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली ISO 1/3 स्टॉप से डिफरेंस होता है। मतलब 100 और 200 के बीच में 125 और 160 भी रहेगा। ये एक एडवांटेज है हाई एंड कैमरास में कि आपको फुल स्टॉप इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, पार्शियल इंक्रीज भी कर सकते हैं। एपर्चर थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको एकदम से वो नंबर को देख के पता नहीं चलता है। मान लो हम एपर्चर 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद हम एक स्टॉप जब इंक्रीज करेंगे वो 1.4 हो जाता है, उसके बाद 2, उसके बाद 2.8, उसके बाद 4, 5.6 एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यू हैव टू कीप पेशेंस। शटर स्पीड और ISO के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम ज्यादा टेक्निकल हुए नहीं क्योंकि वो नंबर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एपर्चर में नंबर्स उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो ये नंबर आता कहां से, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 से आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है, 1.414। अगर उसको सिंपल करेंगे तो 1.4। सोचो आपका एपर्चर 1.4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 2 करेंगे, देन द आंसर इज 2। आप वहां से एक स्टॉप आगे गए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3, आंसर इज 2.8। स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 4, आंसर इज 4। तो इस हिसाब से इंक्रीमेंट होता रहता है। यहाँ पे भी f2.8 से f4 के बीच में काफी सारे लेंसेस में हमें और 2 फ्रैक्शनल स्टॉप्स मिल सकता है, 3.2 और 3.5। अब ये सारे कैलकुलेशन तो आपको समझाने के लिए था, लेकिन इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतना जानना जरूरी था कि स्टॉप होता क्या है और कैसे कैमरास में फ्रैक्शंस ऑफ स्टॉप्स यूज होता है टू इंक्रीज द एक्सपोजर स्लाइटली। नाउ द क्वेश्चन इज, इस जानकारी को हासिल करके आपका एडवांटेज क्या है, फोटोग्राफी में कहीं यूज होता ही है। स्टॉप के नॉलेज के बिना आप अच्छा फोटो क्लिक नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। विदाउट एनी नॉलेज ऑफ अ स्टॉप आप अच्छे से फ्रेम करके, अच्छा सेटिंग्स यूज करके आप अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हो। लेकिन इसका एडवांटेज ये है
जब आपको अपने कैमरास के कुछ नंबर्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि ISO 100 और 200 के बीच में कितना एक्सपोजर का डिफरेंस होता है, 100 के बाद ISO 125, 160, उसके बाद 200 क्यों, कितना डिफरेंस ऑफ लाइट है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है फोटोज क्लिक करते वक्त, आपका जजमेंट ऑफ एक्सपोजर थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जब कोई यूट्यूब में या फिर कोई डॉक्यूमेंट में ये बात करता है कि मैंने एक्सपोजर 1 स्टॉप इंक्रीज किया, 2 स्टॉप इंक्रीज किया, 1/3 स्टॉप डिक्रीज किया, तो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते थे, हमें वो अंदाजा नहीं आता था कि आखिर डिक्रीज और इंक्रीज कितना हुआ। एक स्टॉप की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद जब भी कोई एक्सपोजर इंक्रीज और डिक्रीज की बात करता है, हमें काफी अच्छा क्लैरिटी होता है कि इवेंचुअली लाइट का डिफरेंस कितना हुआ। Thank you so much for watching. I hope you liked this video. And if you did, don't forget to hit that thumbs up. If you feel it will help other photographers, don't forget to share this video. Thanks again. Take care.